आज कानपुर दौरे पर रहेंगे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 75 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए आंगनबाड़ी किट्स बांटेंगे दोनों। ये कार्यक्रम दोपहर 12 बजे होगा। 1,06,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर सरकार प्री स्कूल किट्स बांट चुकी है। सीधा कानपुर चलते हैं। रतीश शिवन त्रिवेदी इस वक्त हमारे संवाददाता वहां से सीधा कनेक्ट है। रतीश, इस कार्यक्रम के बारे में जो आज मुख्यमंत्री और राज्यपाल के द्वारा संपन्न किया जाना है कानपुर में, हमारे दर्शकों को विस्तार से जानकारी दें। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आज कानपुर दौरा है और मुख्यमंत्री करीब 1.5 घंटे कानपुर में रहेंगे। सबसे पहला कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री का है वो 12:30 बजे के आसपास CSGM यूनिवर्सिटी परिसर में है, जहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न बनाने की कार्यक्रम किया जाएगा। यहां पर बच्चों को खिलौने दिए जाएंगे, टॉयज पज़ल दिए जाएंगे, ABCD नंबर्स दिए जाएंगे। ऐसे तमाम उपक्रम जो सरकार कर रही है आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न बनाने के लिए, एडवांस बनाने के लिए, वो सब दिए जाएंगे। अगर राज्यपाल के दौरे की बात की जाए तो राज्यपाल सड़क मार्ग से कानपुर पहुँचेंगे और 10 बजे से 12 बजे के बीच वो HBTU की समीक्षा करेंगे। हेडकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान है, वहाँ पर उन प्रोफेसर और अधिकारियों के साथ बैठकर के समीक्षा बैठक का प्रोग्राम है, 10 से 12 बजे का होगा। उसके बाद 12:30 बजे से और 1:30 बजे के बीच जो आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न बनाने का प्रोग्राम है उसमें मुख्यमंत्री के साथ शिरकत करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री लखनऊ की तरफ रवाना होंगे। लेकिन 3 बजे से 5 बजे के बीच राज्यपाल का दूसरा कार्यक्रम है, जिसमें वो छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय के अधिकारियों और प्रोफेसर के साथ बैठकर समीक्षा बैठक करेंगी और इसके बाद शाम को उनका इंडस्ट्रीज के साथ प्रोग्राम है, कार्यक्रम है बैठने का। इसके बाद आज रात्रि कानपुर में ही विश्राम करेंगे और कल एक बार फिर से जो कानपुर की तीसरी यूनिवर्सिटी है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय, उसके प्रोफेसर और के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और उसके बाद और ये निकल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से राज्यपाल और मुख्यमंत्री का आज कानपुर दौरा है और प्रमुख कार्यक्रम जिसे कहा जा सकता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न बनाने के लिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल आज छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के परिसर में मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रतीश, आपने विस्तार से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम के बारे में। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर एक साथ आजम खान की रिहाई के लिए मशाल जुलूस निकाला। इस मौके पर सपा कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को भी सौंपा और आजम खान की रिहाई के लिए मांग की। मशाल जुलूस में सपा कार्यकर्ताओं ने कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई और यहां पर आपको बताएं कि अलग अलग मामलों में आजम खान जेल में हैं, जहां पर उनकी तबीयत खराब होने पर लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। आज ये मशाल जुलूस निकाला जा रहा है जो मुरादाबाद में तमाम जन समस्याएं उनको लेकर ये मशाल जुलूस है और माननीय आजम खान की रिहाई के लिए ये मशाल जुलूस हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज रखा है, उसको हम गवर्नमेंट कॉलेज से और कोतवाली तक है। और सुबह 8 की बात में चलते चलते आपको बेहद खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर गुजरात के भावनगर के विलादार हिरण अभयारण्य की है। यहाँ पर सैकड़ों हिरण एक साथ रास्ता पार करते हैं और ये तस्वीर अभयारण्य में पहुंचे सैलानी के कैमरे में कैद हो गई। सैकड़ों हिरण एक साथ ये सड़क पार कर रहे थे। भावनगर में है ये अभयारण्य, राष्ट्रीय अभयारण्य का वीडियो वायरल हो गया है। ये देखिए आप बेहद खूबसूरत तस्वीर, एक साथ सैकड़ों हिरण इस सड़क को पार कर रहे हैं। भावनगर गुजरात में है ये राष्ट्रीय अभयारण्य और हिरणों का ये झुंड चूंकि एक साथ इस सड़क को पार करता है, चर्चा का विषय बना हुआ है। ये वीडियो वायरल है। कतारबद्ध ये सैकड़ों हिरण एक साथ इस सड़क को पार करते हैं।